Panda. I got broads in Atlanta. Switch to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello, guys. तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रेंगल 2.0 कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं लॉबी में हूँ और फिलहाल मैं देख लेते हैं क्या क्या है लॉबी में। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से खोल सकते हैं। ओके ग्रेट। और नीचे से हमारा सेटिंग वगैरह खुल जाएगा। इन्वेंट्री भी यहीं से खुल सकता है गाइस हमारा। और देख सकते हैं आप सारा कुछ नया है लॉबी में। और बाकी का ये देख सकते हैं, अगर हम लेफ़्ट में स्लाइड करेंगे तो हमारा स्टेट्स वगैरह दिखेगा पूरा, और अगर हम राइट में स्लाइड करते हैं तो जो भी पबजी की नई चीज़ आती है वो आ जाती है। और यहाँ से आप खोल सकते हैं अपना मैप वगैरह जो भी आपको चलाना है, जैसे कि अभी रेंगल 2.0 सिलेक्टेड है मेरे में। तो गाइस अभी मैं आपको ये बताऊंगा, फिर थोड़ा सा मैं आपको रेंगल 2.0 दिखाऊंगा, और देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, वो भी पबजी बैन में। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं गाइस। हम आ चुके हैं अपने स्पॉन आइलैंड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पॉन आइलैंड पे। ये देखिए, तो मेरे ख्याल से ये प्लेन जो है ये चेंज कर दिया गया है। पहले ये सेंटर में होता था, अभी फ़िलहाल में ये लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए, और इसके दो पीसेज हो चुके हैं। पहले ये दो पीसेज थे बट वो जस्ट सामने सामने थे, अभी इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। और देखिए काफ़ी, मतलब टेक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे कंटेनर्स ऐड कर दिए गए, और ये लकड़ियाँ कुछ, और ये टायर वगैरह पड़े हैं प्लेन के इधर। तो गाइस स्पॉन आइलैंड पर भी काफ़ी चेंज है, तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या 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 चेंज होने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सिवर्नी। तो अब सिवर्नी में देखते हैं क्या कहना है। देखिए आप देख सकते हैं जो बाउन हाउस है इधर काफ़ी चेंज हुआ है। देखिए टूट गया ऊपर से, और कलर वलर चेंज है थोड़ा। और देखिए इधर ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगा दी गई हैं फूटी हुई, जो कि बहुत अच्छे काम आ सकती हैं कवर के लिए। फाइट में कवर काफ़ी मिल सकता है। देखिए इधर भी काफ़ी सारे कवर है। देखिए नीचे सीमेंट के कट्टे और ये ईंटें लगा दी गई हैं, देख सकते हैं आप। और देखिए चर्च, सामने चर्च में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। देखिए देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं सारी बिल्डिंग्स भी काफ़ी चेंज है। ओके ग्रेट, अच्छा लग रहा है सिवर्नी काफ़ी। चलो गाइस सिवर्नी में तो फिलहाल में यही होता है, और हम देख चुके हैं। अभी हम बस यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स के टेक्चर में और कंस्ट्रक्शन में तो चेंज नहीं है, बट हाँ एक आध दो चीज़ एक्स्ट्रा कर दी गई हैं। लाइक वो बालकनी में थोड़ा वो रेलिंग्स लगा दी गई हैं, थोड़ा कवर के काम आएंगी वो। अब इतना पता नहीं है कि उनमें से डैमेज होगा या नहीं होगा, वो गेम में पता चलेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत तो कवर मिलेगा उससे। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम सीधे याशना। गाइस हम यासना जा रहे थे, बीच में ही पेट्रोल पंप पड़ता है, देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे काफ़ी चेंज है पूरा, मतलब पूरा ही होलिया चेंज कर दिया मतलब इधर का। तो चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखते हैं, चलते हैं यासना। तो गाइस हम आ चुके हैं यासना के अंदर। अब आप देख सकते हैं पूरा यासना, लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं जो घर हैं, जो आई थिंक जो सिक्स हाउसेज होते हैं इधर के, कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। और ज़्यादातर घरों पे ऐसा कलर किया गया है, मतलब थोड़ा पुराना सा लुक आता है उन पे उससे, लाइक ईंटें खाली। ओके फाइन गाइस, ये आप लेफ्ट पे देख सकते हैं जो पहले रेड रेड होती थी बिल्डिंग, अब फिलहाल में कलर्ड है वो, और स्टेशन लिखा हुआ उसके ऊपर। गेट यासना में बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारी बिल्डिंग्स जो आप सिवर्नी में देख चुके हैं वैसी ही थी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपार्टमेंट्स, स्कूल अपार्टमेंट्स में। तो आप देख सकते हैं अपार्टमेंट्स में भी वही है, बस ईंटों का कर दिया गया है, और ज़्यादातर घरों पे पिंक कलर किया गया है। आई डोंट नो क्यों किया गया है, बट पिंक कलर ज़्यादातर घरों पे देखने को मिला हमें। और अब हम आ चुके हैं स्कूल। तो गाइज देख सकते हो आप, स्कूल बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए लेफ्ट वाली बिल्डिंग पूरी ग्रीन कर दी गई है बाहर से, आप देख सकते हैं दो झंडे लगा दिए हैं बीच में इन्होंने स्कूल के बीच में। ओके फाइन गाइज, अच्छा लग रहा है काफ़ी स्कूल। और स्कूल के सेंटर में देख सकते हैं अब
ये कुछ लगा हुआ है इधर देख सकते हैं आप। आई डोंट नो ये क्या है, बट यही लगाया हुआ है इधर इन्होंने। और इधर कोई मूर्ति वूर्ति लगानी थी बट फिलहाल में उन्होंने नहीं लगाई है। आई थिंक फ्यूचर के अपडेट्स में ये लगाएंगे यहाँ पे। तो गाइज आप यहाँ से चलते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं रोजो की पहाड़ी पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चेंजेस, साइड में रेलिंग लगा दी गई है देखिए, ताकि नीचे ना गिरे डायरेक्ट। पहले तक कोई रेलिंग नहीं थी, और देख सकते हैं आप सामने रोजो हो गए जो। तो रोजो की बिल्डिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसी ही है, बस थोड़ा टेक्सचर चेंज हुआ होगा इनका, जो कि दूर से क्लियर नहीं है, बट टेक्सचर वही होगा जो आपने शिवर्णी में और यासना में देखा, सारा वही है बिल्डिंग्स का, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस थोड़ा कलर और जो थोड़ा पुराने टाइप्स का लुक कर दिया है इसका, लाइक रस्टेड लुक। तो चलिए गाइस आप चलते हैं आगे, जॉर्ज पुल देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं जॉर्ज पुल के स्क्वाड हाउस पे। अब देखते हैं इस स्क्वाड हाउस में क्या क्या नया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बाकी स्क्वाड हाउस भी ऐसे ही होंगे। तो देख सकते हैं आप लाइट लगा दी गई है इधर, ग्रेट, और ये काफी स्पेस कर दिया गया है इधर। और देखिए ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह, ओके छत पे ही कंटेनर लगा दिया गया है। अब हम सामने कोई हमें स्नाइप नहीं कर पाएगा, ना हम उसे मार पाएंगे, ग्रेट, कवर बन गया है अच्छा खासा ये। ओके गाइस देख सकते हैं हम पहले यहाँ नीचे उसने की जगह होती थी जहाँ पे लोग कैंप कर लेते थे जब भी उनके ऊपर एनिमीज अटैक करते थे, अब फिलहाल में वो नहीं हो पाएगा। और ग्रेट गाइस नीचे देखिए फ्रिज लगा दिया गया है, ओके नीचे कंटेनर भी है, ओके बाहर निकलते। ओके गाइस देखिए इसके पीछे भी कुछ एक मतलब रेलिंग वेलिंग लगा दी गई है, थोड़ा अच्छा सा लुक दे दिया गया है इसे स्क्वाड हाउस को, काफ़ी अच्छा बना दिया गया है एंगल 2.0 में। चलिए अब चलते हैं हम सीधा जॉर्जपुर। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने जॉर्जपुर में, और जॉर्जपुर में आप देख सकते हैं कि जो वेयरा हाउस है वेयरा हाउस का काफ़ी लुक चेंज कर दिया गया है। और देखिए हम इस टावर पर चढ़ते हैं, टावर से देखेंगे थोड़ा, और टावर को भी थोड़ा रस्टेड कर दिया गया है। देखिए ऊपर जो क्रेन वाले टावर होते हैं वो तो पूरे रस्टेड कर दिए गए हैं। अब हम एक बार अंदर से देख लेते हैं स्क्वाड हाउस को जाके, ठीक अच्छा लग रहा है काफ़ी, कंटेनर वगैरह, ओके काफ़ी स्पेस कर दिया गया है इसके अंदर, और जो बॉक्सेज है वो काफ़ी बड़े बड़े कर दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा कवर का काम देंगे हमें। तो गाइज आई होप आप इंजॉय कर रहे हो वीडियो, क्योंकि ये 2.0 सच में बहुत अच्छा है, मतलब इतना कवर है कि मतलब आराम से हम पूरा कवर लेके खेल पाएंगे। देख सकते हैं आप क्रेन भी पूरी रस्टेड है, पहले ये इतनी रस्टेड नहीं होती थी। और देखिए आप काफ़ी घास वास लगा दी गई, छोटे छोटे पेड़ लगा दिए गए हैं इधर उधर। और बाकी आपने जैसा ये देखा ये वाला वेयर हाउस, ऐसे ही सारे वेयर हाउसेज हैं, और कंटेनर्स आप जानते ही हैं, देख सकते हैं आप सारे कंटेनर सेम है, बस थोड़ा टेक्सचर क्वालिटी इनका चेंज किया गया है, और घास काफ़ी अच्छी कर दी गई है। तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, तो आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं हॉस्पिटल में ना कोई चेंज नहीं दिख रहा मेरे को बाहर से, पूरी बिल्डिंग का कलर भी वही दिख रहा है ऑलमोस्ट, बस अंदर से थोड़ा स्पेस इंक्रीज होगा जैसे कि बाकी बिल्डिंग्स का है। अभी हम अंदर से नहीं देखेंगे जाके, कोई जोन आ रहा है, हमें बाकी जगह भी देखनी है। तो गाइज चलिए यहाँ से चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गटका, गटका में आप देख सकते हैं बिल्डिंग वगैरह वही है, बस थोड़े जो बान हाउस वगैरह थे छोटे वाले वो थोड़े उनका टेक्सचर चेंज किया गया है। तो अभी हम आगे चलते हैं डायरेक्ट पोचिंग की, चलते गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पोचिंग की, और पोचिंग की चर्च पे हम चढ़ रहे हैं अभी ऊपर, पोचिंग की चर्च से देखते हैं कैसा व्यू आता है पूरे पोचिंग का, ग्रेट, ओके पूछें कि हमारा बिल्डिंग्स वही है, बस थोड़ा टेक्सचर चेंज हुआ है, अब अंदर से जाके देखेंगे। चर्च काफ़ी चेंज है जैसे कि आपने शिवनी में देखा, ऐसा ही यहाँ पे है फिलहाल में पूछें कि मैं थोड़ा आर्किटेक्चर अच्छी कर दी गई है इसकी। तो गाइस देख सकते हैं आप पूरा पूछें कि ये जो 3 स्टोरी है देख सकते हैं, राइट पर 3 स्टोरी है देखती है, और अब स्टोरी के पीछे जाके दिखाता हूँ आपको एक बार पीछे से कैसा लुक आ रहा है इधर का। कूल देखिए आप रेलिंग लगा रखी है घरों पे, लेफ्ट हैंड साइड में जो घर है वो देख सकते हैं आप, ये रहा लगा रखी देखिए मैं, हाँ यही गेट, अच्छा लुक है काफी। तो गाइस अब अंदर से देखते हैं एक बार इसको पूरा कैसा दिख रहा है, ओके ग्रेट, ओके यहाँ पे एक टावर भी लगा दिया गया है देखिए, ये रहा टावर ऊपर से देखते हैं,
ओके अच्छा लग रहा है, बीच में टावर लगा दिया उन्होंने। और देखिए आप, थ्री स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है जो इधर उसमें देखा काफी, देखिए टेक्सचर देखिए इसका, वो ईटो वाला टेक्सचर। बस पहले ये पूरा कलरफुल हुआ करता था, अब ज्यादातर बिल्डिंग ऐसी कर दी गई है इसमें, और ये वैन थोड़ी बड़ी कर दी गई है, देख सकते हैं आप। अभी आगे से देखते हैं, पूरा पोचिंग की घूम के देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अब देख सकते हैं मतलब घास वगैरह तो काफी अच्छी कर दी है इन्होंने, और कवर भी दे दिए काफी सारे इस बार रेंगल में। आप जहां देखो वहां आपको कवर मिल जाएगा, मतलब अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहे हैं ना तो शायद आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि काफी सारे कवर मिल रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप स्क्वाड हाउस पोचिंग का पीछे वाला, लाइक जैसा हमारा पूरा जॉर्जपुल में था वैसा ही है। और देख सकते हैं इधर एक और वैन खड़ी कर दी है पीछे, देखिए यहाँ पे भी वही बालकनी में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप मैंने जो बोला था, देखिए बालकनी में। ये चीज अच्छी लगी मेरे को वैसे। और देख सकते हैं आप ये पीछे छोटे छोटे ये कवर के लिए, सामने अगर कोई एनिमी आ रहा है तो हम यहाँ पे टीपी भी ले सकते हैं ना। और घरों के बाहर इन्होंने नंबर डाल दिए हैं, नेम प्लेट और नंबर प्लेट डाल दी एक्चुअली, तो वो काफी कूल दिख रहा है उससे। चलिए एक बार गैराज में अंदर चल के देख लेते हैं कैसा है, और फ्यूल भी उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें काफी जगह घूमना है अभी। ओके फ्यूल उठाते हैं। ओके यहाँ पे पबजी की एक फोटो भी लगाई गई है, ग्रेट। पबजी वालों ने मतलब इस बार काफी मेहनत की गई है। तो गाइज हमारा पूछिंग की हो चुका है ऑलमोस्ट क्लियर सारा, और बाकी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सारी एक जैसी है जो हम पीछे देख चुके हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, अभी हम डायरेक्ट चलते हैं मिलिट्री बेस। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मिलिट्री बेस के अंदर, और चलिए ऊपर से देख लेते हैं बिल्डिंग को कैसी लग रही है, और पूरा मिलिट्री बेस कैसा दिख रहा है। तो गाइस पूरे मिलिट्री बेस के अंदर देख सकते हैं आप, ये छत से पूरे में झंडे लगा दिए गए हैं, और देखिए आप टावर देख सकते हैं, ये ऊपर से टावर को तोड़ दिया गया है, काफी चेंज किया है टावर को। और पूरे मिलिट्री बेस को देखिए पूरे में टावर लगे हुए हैं, और ये वही वाला सिंबल है जो बीच में है, जो इसके जो कि हमें स्कूल में देखने को मिला था। तो ये वाला सिंबल पूरे रेंगल में मिलने वाला है, आई थिंक ये इनका कोई सिंबल है जो हमें इन फ्यूचर पता चल जाएगा ये किसके लिए है। और देख सकते हैं आप मिलिट्री बेस में इतने सारे कवर दे दिए गए हैं कि फाइट लेना काफ़ी इजी होने वाला है। तो अभी हम फिलहाल में इंजेक्ट कर लेते हैं एड्रेनलिन शॉट, ताकि हमें जोन से डैमेज ना पड़े। तो गाइस देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो पहले इतने कवर नहीं होते थे मिलिट्री बेस के अंदर, देख सकते हैं आप पूरा कवर ही कवर, गाड़ी गाड़ी पड़ी है इधर, और कंटेनर काफ़ी इंक्रीज कर दिए गए हैं इधर के, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि देख सकते हैं आप पीछे। और गाइस अब इसके ऊपर से देखते हैं एक बार वो पूरा पीछे वाला पुलिस स्टेशन है जो, उसका व्यू कैसा आता है। ओके ये काफ़ी पतली कर दी गई है जिस पे हम खड़े हैं। ओके ये देखिए यहाँ सैटेलाइट टावर है, और यहाँ पर देखो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा दी गई है, और टावर ऊपर सैटेलाइट लगी हुई है, ग्रेट। और बाकी सब वही है इधर, और आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी पतली कर दी है ये वाली, पहले काफ़ी चौड़ी होती थी जहाँ पे अभी अभी चल रहे हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं इतने सारे कंटेनर, मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी सारे कंटेनर इंक्रीज कर दिए गए हैं रेंगल 2.0 में। तो गाइस 2.0 और 2.0 में कंफ्यूज ना हो, वो एक ही चीज़ है। देखिए आप कवर कितने सारे कवर हैं अभी फिलहाल में इधर, अगर हमारे यहाँ पहले फाइट होती थी तो हमें कोई उधर से मार दे सकता था इजीली, अभी हम यहाँ कवर लेके मार सकते हैं उसको, या फिर फाइट ले सकते हैं अच्छे से। देख सकते हैं सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल जैसा पहले था, बस वही थोड़ा स्पेस इंक्रीज कर दिया गया, ऊपर सेटेलाइट लगी हुई है इधर। और एक बार टावर दोबारा देख लेते हैं हम ऊपर से, देखिए ऊपर से पूरा तोड़ दिया गया है, पहले पूरा सही था। तो चलिए गाइज अभी हमने फिलहाल में देख लिया मिलिट्री बेस, अब हम चलते हैं डायरेक्ट नोवो। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं नोवो, देख सकते हैं आप स्क्वाड हाउस बिल्कुल सेम जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अभी हम अंदर चलते हैं नोवो के। आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग वही है जो हम अभी पीछे देख के आ रहे हैं, पूरी की पूरी चेंज है देख सकते हैं आप पूरे। और ये बीच में देखिए काफ़ी अच्छी रोड बना दी गई है इधर, अभी हम इधर से ही अंदर जाते हैं। पहले इधर ऐसा कोई वाइट वाइट जो आप साइड में देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं थे, वो अभी लगा दिया। ओके गाइस देखिए ये सिंबल इधर भी है, ये हमें ऑलमोस्ट हर जगह दिखाए रंगल में इस वाली मैप में। तो गाइज एक बार ऊपर चढ़ के हम थोड़ा बूस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जोन ज़्यादा काट रहा है, जल्दी से मर जाएंगे फिर हम। तो साथ ही साथ हम एक
उसके बाद बूस्टर मारने की कोशिश करेंगे ताकि हम वीडियो को पूरा शूट कर पाएँ। तो गाइस देख सकते हैं आप वही सिंबल, वो कोई बात नहीं वो गिर गए। तो गाइस देख सकते हैं आप, चलिए ऊपर से दिखा देते हैं एक बार आपको कंटेनर पर चढ़ के, देखिए सब कुछ ओके। गाइस ये एक नई चीज़ है इधर, देखिए जो आप सामने देख रहे हैं ये चीज़ नई है, ये हमें नोवो में ही दिखी है और कहीं अभी हमें नहीं दिखी ये चीज़, काफ़ी अच्छी है। और गाइज इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर घास काफ़ी बढ़ा दी गई है, और जो ये चीज़ें इस पे पता नहीं ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं, या फिर शायद अगर ऊपर से ही जंप कर रहे हैं तब शायद ऊपर कूद सकते हैं, तो काफ़ी एडवांटेज होने वाला है इस चीज़ का। और ये देखिए यहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं बड़े बड़े दो, जो कि पहले इधर ओपन एरिया था, कोई भी इधर से मार सकता था या फिर हम मार सकते थे उसको, अभी यहाँ पे कवर है पूरा, कोई बंदा इधर टीपी भी ले सकता है और हमें इजीली मार सकता है। आप देख सकते हैं पूरे पूरे बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो गाइस कंटेनर्स तो काफ़ी वही हैं, बस थोड़ा स्पेस इनमें इंक्रीज़ कर दिया गया है, जैसे कि हर बिल्डिंग के अंदर, और पूरे एंगल 2.2 में इंक्रीज़ किया। और देखिए घास कितनी सारी लगा दी गई है इधर। अभी हम एक बार ड्रिंक पी लेते हैं और फर्स्ट एड मार लेंगे थोड़ी देर में। ओके जल्दी से फर्स्ट एड मारते हैं, जोन काफ़ी कटा गाइज। तो गाइज ऊपर चढ़ लेते हैं एक बार कंटेनर पर, और बाकी सब इधर वैसा ही है, क्रेन वही है रस्टेड जो कि जोधपुर में थी। तो गाइज टू फिलहाल मैं वीडियो में इतना ही, 2.0 का मैं आपको ऑलमोस्ट सारा एरिया दिखा चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं आपको एक नीचे लिंक देने वाला हूँ, उस लिंक पर आपको जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है, और फिर जस्ट आपको अपडेट कर लेना है। और जैसे ही आप अपना पबजी मोबाइल खोलेंगे आपका गेम डाउनलोड होने लगेगा और एग्जैक्टली वो अपडेट होगा, तो उसे अपडेट होने दें, अपडेट होते ही वो ओपन हो जाएगा।